बहुत किया है स्टूडेंट यूनियन में, तो अंदर से खून खोलता है अपना फेलियर को देख के, आप लोगों का फेलियर को देख के. एक्चुअली वी आर नॉट अ फेलियर, वी आर द विक्टिमाइज पीपल. हम लोगों को विक्टिम किया गया है. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर. यहाँ आप देखिए कि हमारा गरीब का बच्चा जैसे तैसे करके तो पास हो जाता है, लेकिन वी गरीब का बच्चा कभी जो ग्रुप ए वाला पोस्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाता है. कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख के बट डिसअपॉइंटेड दैट पेरेंट्स का सपोर्ट थोड़ा कम है. तो नॉट टू कंप्लेन और सजेशन ओपिनियन दे के फायदा नहीं है. आई हैव ऑलवेज बीन अ फाइटर, अ रिवोल्टर. तो आज अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ पॉलिटिकल एफिलिएशन, आई हैव कम हियर क्योंकि रहा नहीं जाता ना. दिस इज माई फोर्थ टाइम दैट आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस रैली. पीछे पीछे चल के मेरा भी बहुत मजबूरी है. जहाँ जिस जगह पे वेयर आई एम स्टैंडिंग टुडे, वहाँ पे भी लिमिटेशन है. कभी कभी लिमिटेशंस की वजह से ज़्यादा कुछ आई कैन नॉट कम टू फोर फ्रंट ऑल्सो, बट वो सारा लिमिटेशन को आज छोड़ के, सारा हिंड्रेंस को छोड़ के, आई हैव कम हियर टू सपोर्ट योर सपोर्ट माई स्टूडेंट्स एस्पायरेंट. बिकॉज मैंने पहला स्पीच में भी कहा था कि आई एम अ फेल एस्पायरेंट, क्योंकि उस समय इतना बड़ा मास नहीं था जो सपोर्ट कर सकता, आवाज़ उठाता था. तो मेरे को लगता था कि मैं क्यों फेल हो जाती हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव एन आईएएस ऑफिसर टुडे, सेक्रेटरीट में कहीं होता. इतना भी कभी नहीं हूँ कि फेल होने लायक तो नहीं था. बट सो आप लोगों का दुख दर्द समझ में आता है. नॉट टू गो टू फार, मेरा तो यही है कि कितना प्रोटेस्ट रैली चलेगा, कितना जिंदाबाद मुर्दाबाद. आई एम ऑल्सो सिक एंड टायर्ड ऑफ इट, क्योंकि फायदा नहीं है ना. यू हैव टू पुट इन एक्शन. डेमोक्रेटिक मूवमेंट इज नॉट ओनली अबाउट जिंदाबाद मुर्दाबाद एंड वॉकिंग फ्रॉम आकाशी फ्रॉम दरा नातुंग टू टेनिस कोर्ट. यू हैव योर हैंड्स एंड लेग, यू हैव योर सपोर्ट, योर स्ट्रेंथ, you have intellect support from your seniors. Why don't you put it together? Hai ki nahi? Dikha do kaun Michael Lal hai jo shapath grahan karega new ABC ka. No, aisa nahi hai. I'm not here to gather your clap or whistle or anything. Bahut kiya hai student union mein, तो अंदर से खून खोलता है अपना फेलियर को देख के, आप लोगों का फेलियर को देख के. एक्चुअली वी आर नॉट अ फेलियर, वी आर द विक्टिमाइज पीपल. हम लोगों को विक्टिम किया गया है. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर. यहाँ आप देखिए कि हमारा गरीब का बच्चा जैसे तैसे करके तो पास हो जाता है, लेकिन वी गरीब का बच्चा कभी जो ग्रुप ए वाला पोस्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाता है ना. Those who have a very good background, तो उनका बच्चा जो ऊपर तक पहुंच जाता है ग्रुप ए ग्रुप बी में. तो मैं नहीं कहती हूँ कि ऑफिसर्स के बच्चे जो है दे आर नॉट टैलेंटेड, बट आज का जो रेगुलर प्रैक्टिस को देखते हुए यही लगता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग जॉब ऑल्सो. पहले तो पैसे से चलता था इकोनॉमिक सोशल बैकग्राउंड, अभी तो जॉब में भी चल रहा है. ये तो होना मतलब बहुत गंदा लगता है. तो मेरा तो यही दरख्वास्त है. अब मैं क्या कहूँ, ज़्यादा बोलूँ तो बोलेगा कि यूथ को प्रोवोक किया है ना. अब तो जैसे हमारे भाइयों ने कहा है कि सरपरोशी की तमन्ना है, देखना है बाजुए कातिल में कितना दम है. तो ये तो करना ही पड़ेगा. डेमोक्रेटिक मूवमेंट बहुत कुछ होता है, चाहे बनकोर हो या फिर पेन डाउन हो या कुछ भी हो, कुछ भी होता है. सो यू कैन गो फॉर एनीथिंग, जहाँ जो आपका एबिलिटी में है. ऐसा नहीं है कि अगर जाओ भी तो यू ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप नहीं है तो हमारा फ्यूचर सेफ नहीं है. सो एनी डिसीजन यू टेक इट डिसाइडेड वाइजफुली, क्योंकि यहाँ पे आजकल सरकार ऐसा हो गया कि हर चीज़ को टटोर मरोड़ के, कोई भी सरकार, नॉट ओनली दिस करंट गवर्नमेंट, पुराने जमाने में भी है ना, तो ऐसा करके होता था. सो बी केयरफुल. और जहाँ तक और दूसरा चीज़ है कि पहले से आई वॉन्टेड टू से
we do not have to rely on existing administration, because बहुत देख लिया, देखो बीच में बहुत CBI का demand हो रहा था जब SIC काम कर रहा था. I was not you know part of that opinion कि CBI को लाना है. आपको पता है कितना current trend चल रहा है ED and CBI. तो अभी आप लोग जितना भी चिल्ला लो, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो बोलेगा ही, सेंटर से आप लोग ने डिमांड किया तो दे आर वर्किंग, उन्हों करने दो ना, दे आर वर्किंग. हम लोग जो अवेलेबल सपोर्ट दे सकता है वो करेगा. तो आई डोंट थिंक सो CBI इज ऑल्सो वर्किंग. अगर आप लोग ईडी का भी डिमांड करेगा वो कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज सब पपेट है. बोलेगा सेंटर वाला को बुलाया था, आप लोग काम करने के लिए बोला, यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो कर रहा है. हम लोग जितना सपोर्ट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट इज एक्सटेंडिंग, वही बहाना करेगा, है ना. तो अभी ऐसा है कि मतलब आप लोग जो है जड़ से उखाड़ के फेंकना है, जड़ से उखाड़ के फेंकना है. जो अरुणाचल में जो जितना भी मीमर्स है ना, अभी बोला कि जो भाषण मार के जाता है, जो सपोर्ट नहीं करता है, उसका मीम्स बनाओ. यू आर मोस्ट वेलकम टू मेक माई मीम्स इफ आई स्टेप बैक फ्रॉम माई वर्ड. वो तो ऐसा है, ये बात है. तो तीसरा बात है कि जो नरेन बॉयड का, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू सपोर्ट. तो मेरा तो यही सोचना है कि नलन बॉयड तो होना चाहिए, मतलब रद्द कर देना चाहिए, है कि नहीं. क्योंकि देखिए, अगर आपने फेयर वे में एग्जाम दिया है तो वो दूसरा एग्जाम अगर देगा, दूसरा बार अटेम्प्ट करेगा, क्लियर हो जाएगा. यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट इट. आप अपना फेयर एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, इंस्टीड ऑफ यू नो सपोर्टिंग. जो आपके साथ कुछ भेड़िया लोग होगा ना, जो पैसे से खरीद के पास हो जाएगा. आप अगर नलन बॉयड को सपोर्ट नहीं करेगा तो दोज हु हैव बॉट देयर जॉब्स फ्रॉम मनी, वो तो ऐसे भी सिलेक्ट होगा और वैसे भी आप फेल होने वाला ही है. तो सबसे पहले कचरा को साफ करके देन आप लोग एक ही साथ एग्जाम दो, दैट विल बी अ फेयर एग्जाम. तो वैसा है. तो अभी जैसे बहुत सारा चीज है, और मेरा बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन कमिंग टू द आपसू, क्योंकि पहले मीडिया ने भी पूछा था, एज अ पेरेंट्स, एज अ सिटीजन एंड कंसर्न सिटीजन, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद आपसू. आपसू का कभी मेंबर नहीं था, बट आई हैव बीन पार्ट ऑफ आपसू इलेक्शन स्कूल समय से. जैसे अभी हमारा तारातुम सर था, वो पहले था, तो हम लोग स्कूल में तो आपसू रैली वगैरह में भी जाया करते थे. एट दैट टाइम दिस काइंड ऑफ कल्चर एंड यू नो वे ऑफ वर्किंग वॉज नॉट देयर. तो मेरा आपसू से अपील तो नहीं करना चाहिए, बट ऐसे सिचुएशन में मेरा हम्बली अपील है कि स्टूडेंट का साथ दीजिए. You know, activate all the district student union. क्योंकि वो उनके फेडरेशन में आता है तो district student union भी लाचार हो जाता है कि कुछ individual कदम नहीं उठा पाता है. तो set them free and come forward. किस चीज से डरना है ना. तो आपसू का बहुत हाईली रिगार्ड था, तो उसको मतलब वो ग्लोरी को मेंटेन रखना चाहिए, बच्चों के साथ आना चाहिए. आपसू इज फॉर स्टूडेंट ओनली, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन है ना. तो आप सब तो स्टूडेंट ही है, एस्पायरेंट है, तो क्या हुआ, कोई ना कोई कोई कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटी में है, कोई MPhil PhD कर रहा है. तो आपसू को आना चाहिए आगे, और इंस्टेड ऑफ गेटिंग फिजिकल और क्रिएटिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट, एक बहुत ही मेच्योर वे में, वाइज वे में, ये जो हमारा क्या है, ये JS जॉइंट पैन अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी के वालों के साथ बैठ के बात करके मैटर को शॉर्ट आउट करना चाहिए, और आगे का कदम क्या होना चाहिए उसमें साथ देना चाहिए. मीटिंग के ऊपर मीटिंग गवर्नमेंट के साथ विल नॉट गिव एनी सॉल्यूशन. आपको तो पता है ना वो सनी देओल का डायलॉग, तारीख पे तारीख, है कि नहीं. तो ऐसा ही हालत होगा. तो देखिए, आई हैव कम डाउन एंड आप सबको भी बोल रहा है कि थोड़ा सा मदद कीजिए स्टूडेंट को, यू आर मेट फॉर देम. तो नेक्स्ट टाइम अगर आप सबका इलेक्शन होता है, आप लोग से भी मेरा दरख्वास्त है, जो उस समय तक स्टूडेंट कंटिन्यू करेगा, बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू वोट योर लीडर. जरूरत नहीं है आपको, देखिए दे मे गिव 20-25,000 और या कुछ भी, जो भी हर इलेक्शन में तो पैसे का इन्वॉल्व होता है, एंड आई हैव विटनेस कि पैसे लेकर तो स्टूडेंट्स वगैरह वोट देते हैं, वो दैट इज नॉट अ यू नो फेक थिंग टू स्पीक आउट.
तो उस समय में आपको देखिए कि उस आप वो 25,000-30,000 एक बार में आपका खर्चा हो जाता है. इफ यू डोंट चूज अ गुड लीडर तो उसका कंसिक्वेंस ऐसा ही होता है, यू आर लेफ्ट ऑर्फन. तो ये हमारे जो एस्पायरेंट स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए भी एक सबक है कि जब भी आप डिसीजन करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा देख के किसको वोट देना है, क्या करना है. यू डोंट नीड अ पपेट हु विल डांस ऑन द फिंगर टिप्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और एनी पॉलिटिशियन, विच इंक्लूड्स मी ऑल्सो. मेरे इशारे पे नाचने वाला कोई ऐसा स्टूडेंट यूनियन हमको भी नहीं चाहिए ना. तो वो सारा चीज को देखिए. और आई रिक्वेस्ट ऑल द क्लैन मेंबर, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कि अगर किसी का नाम भी आता है, कोई मेंशन भी करता है अपने स्पीच में या किसी में, तो देयर मस्ट बी हैविंग सम एविडेंसेस कि वो बंदे का नाम लिया जा रहा है. तो उसको सीरियोज वगैरह मिल के कि क्या है, पहले ट्रुथ को, फैक्ट को जान के तब जाके किसी को कन्फ्रंट करे ना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टेयरिंग कमेटी ने किसी का नाम ले लिया कि दिस पर्सन इज ऑल्सो इन्वॉल्व, तो उसके कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वाले सीधा सीधी तेवर में आके, आक्रोश में आके अटैक ना करें बच्चों को. पहले डिस्कशन कर ले, देख ले कि सच्चाई क्या है. यू जस्ट कैनॉट यू नो बच्चों को दबा के, पैर के नीचे रोंद के, किसी का भविष्य रोंद के गलत तरीके से अपना भविष्य बना सकता है, ऐसा नहीं होगा. तो वो सब सीडीओ से भी मेरा दरख्वास्त है कि कीप बिसाइड ऑल द जो भी आपका मन में जो चीज है, आप लोगों का आक्रोश है या कोई लेन देन है, रखो साइड में और ये हमारे बच्चों का साथ दीजिए. पेरेंट्स से भी दरख्वास्त है साथ दीजिए. एंड जो जो स्पेशली दोज हु आर स्टेबल, दोज हु कैन सपोर्ट, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही क्यों ना हो. गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पता है वो जो एक बुक होता है जिसमें सर्विस के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा होता है, वहां कहीं नहीं लिखा है कि आप करप्शन का साथ दो, सच का साथ मत दो, ऐसा नहीं लिखा हुआ है. यू कैन ऑलवेज स्टैंड एंड फाइट फॉर द राइट, ऐसा लिखा हुआ है. तो वो चीज को आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो, नॉन एम्प्लॉय भी है, सब साथ आके देना है.